हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचली। मैं हूं रूना आशीष और अभी मैं इंदौर में हूं और यहां से आपको खबर देने के लिए आ गई हूं। फ्रेंड्स, आप में से कुछ एक लोग ये जानना चाहते थे कि पवनदीप का या अरुणिता का या अरुदीप का कोई शो है क्या, क्योंकि उनके बैंड मेंबर्स की तरफ से कुछ एक अपडेट्स ऐसे आ रहे थे कि वो देहरादून जा रहे हैं। एटलीस्ट देखने में तो ये आ रहा था। फिर प्रदीप का था तो सर्टनली एक ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि जो पवनदीप का ना होते हुए जब प्रदीप दूसरी जगह काम करते हैं, दूसरी जगह उनका म्यूजिक का काम चलता है, वहां पर कर रहे हों। तो फिर मैंने कंफर्म करने की कोशिश की और मुझे ये मालूम पड़ा है कि पवनदीप का देहरादून में आज शो होने वाला है। ओके, अब अपने टाउन में, अपने स्टेट में गए हैं तो सर्टनली कुछ अलग रंग तो आ जाएगा उनके परफॉर्मेंसेस में। मुझे ऐसा लगता है कि ही विल बी सिंगिंग सम गुड ब्यूटीफुल पहाड़ी सॉन्ग। अब दूसरा सवाल ये आता है कि पब्लिक इवेंट है या फिर ये एक प्राइवेट इवेंट है। तो भाई, मुझे जो मालूम पड़ा है, इट्स अ कॉरपोरेट इवेंट। एंड अब आशा ही लगाइए कि पवनदीप को सुनना मिल जाए, देखना मिल जाए, क्योंकि उनको बिना देखे सुने तो दिन नहीं कटता है, क्या करें। तो अभी तक तो ये मान कर चलिए कि कॉर्पोरेट इवेंट है तो शायद लाइव नहीं भी जा पाए। हालांकि कोशिश मुझे लगता है उनकी टीम की तरफ से पूरी होने वाली है कि एटलीस्ट फॉर सम टाइम पवनदीप का लाइव हो जाए। बट ये चूंकि कॉर्पोरेट इवेंट है इसलिए कोई डिटेल्स में नहीं क्लियर कर सकती कि हमें देखना मिल ही जाएगा लाइव या हो ही जाएगा लाइव। देहरादून में है ये इवेंट, दैट इज़ फॉर श्योर। और मेरे हिसाब से जब तक आप ये स्टोरी देख रहे होंगे, हो सकता है कि पवनदीप और उनकी टीम वहाँ पहुँच के थोड़ा आराम शाराम भी कर रही हों, और हो सकता है थोड़ी देर में कुछ एक वीडियोज़ हमारे पास आ जाएँ, सोशल मीडिया पर आ जाएँ, जहाँ पर वो साउंड चेक भी कर रहे हों। तो चलिए पवनदीप, आप दिखें ना दिखें वो बात अलग पड़ती है, अच्छा लगता है आपको देखना, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। अच्छे से कीजिएगा, खूब मन लगाकर कीजिएगा, आप ही का स्टेट है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार तो डेफिनेटली मिल जाने वाला है आपको। जय हिंद।